बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं एक टॉपिक को ले रहा हूं जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ द रजिस्टर्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, कैसे रजिस्टेंसेस को हम लोग कंबाइन करते हैं। ये टॉपिक बेसिकली जो है परवेज और अबरार अहमद की रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूं। देखें, जब भी हम रजिस्टेंस आप लोग सब लोग जानते हैं रजिस्टेंस क्या होता है ना। रजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली करंट के रास्ते में एक रुकावट होती है। इट इज द अपोजिशन अप्लाइड बाय द कंडक्टिंग वायर। हर एक कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो करंट के रास्ते में एक रुकावट डालती है और उस रुकावट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है उस वायर की लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। या रेजिस्टेंस को देते हैं आर इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए। रो क्या चीज है? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात आती है कि ग्रुपिंग कैसे कैसे करते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंसेस को ग्रुप करने के या ऐड करने के दो तरीके हैं, एक तो है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। एंड टू एंड कनेक्शन जब करते हैं उसे बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। मान लीजिए कि हमारे पास में तीन रजिस्टर्स हैं, यहां मैं दिखा रहा हूं, ये पहला रजिस्टर रहा, ओके। फिर देखिए एक दूसरा रजिस्टर ये हमारे पास में रहा, ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर हमारे पास में रहा, ठीक है। पहला है आर वन, दूसरा है आर टू, और मान लो ये तीसरा रजिस्टर हमारे पास में आ गया यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर एक तीसरा रजिस्टर ले लिया। इन सबको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि सभी इंड से इंड कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, पहले रजिस्टर का सेकंड इंड दूसरे के पहले इंड से कनेक्ट हो रहा है, आर वन आर टू आर थ्री। अगर रजिस्टेंसेस को ऐसे अटैच करें, ऐसे कनेक्ट करें कि पहले का दूसरा इंड दूसरे के पहले इंड से कनेक्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हम लोग देखेंगे, सो करंट पासिंग इन ईच रजिस्टर शुड बी सेम। जब भी रजिस्टर सीरीज में होंगे तो उनमें करंट जो सप्लाई होगी, करंट की जो सप्लाई होगी वो कैसी होगी? सेम होगी, क्योंकि करंट को जाने के लिए रास्ता एक ही मिलने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी करंट इस पहले वाले रजिस्टर में आएगी वही सेम करंट इस दूसरे वाले में जाएगी और वही सेम करंट इस तीसरे वाले रजिस्टर में जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अब इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो अलग अलग होगा, जो कि डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कैसे है। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंसेस के प्रोपोर्शनल होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके पास में ज़्यादा पोटेंशियल सप्लाई होगा, बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल सप्लाई करेगी। चलो मान लेते हैं ये बैटरी हमने यहाँ पे कर दी है कनेक्ट, और इस बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल भी, इस बैटरी ने करंट दिया है आई, यही सेम करंट इन सब में जा रही है। आप जरा देखो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे? बैटरी ने जो टोटल पोटेंशियल दिया है वही पोटेंशियल इस सर्किट में यूज हुआ है। सो पोटेंशियल गिवन बाय द सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल कंज्यूम्ड इन द सर्किट। इस चीज को आप लिखेंगे तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पोटेंशियल गिवन इज कैपिटल वी, पोटेंशियल कंज्यूम्ड इज वी वन इन फर्स्ट रजिस्टर, वी टू इन सेकेंड रजिस्टर एंड वी थ्री इन थर्ड रजिस्टर। अब जरा लिखने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट जो रजिस्टर आर वन है इसमें पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो वी इक्वल टू आई आर से ओम के लॉ से लिखें तो क्या लिखेंगे? करंट तो है आई आर वन। सेकेंड में जरा लिखें तो करंट है आई रेजिस्टेंस आर टू। थर्ड में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? लिखेंगे आई आर थ्री। इसमें से अगर हम चाहें तो आई कॉमन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, क्लास टेंथ में भी आपने इसको पढ़ा था, सभी को याद होगा। सो वी इक्वल टू करंट आई इंटू टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल वी क्या चीज है? बैटरी का टोटल पोटेंशियल जो बैटरी सप्लाई कर रही है इस सर्किट में। करंट कितनी दे रही है? आई। करंट अगर आई दे रही है जरा बताओ तो पोटेंशियल वी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसमें ये वोल्टेज बर्न हो रहा है। सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस है उस नेट रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज बर्न हो रहा है। यानी हम वी को लिख सकते हैं करंट जो कि गिवन है बाय द बैटरी इनटू नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन कुछ बन जाता है। हम देख सकते हैं कि दोनों ही साइड से ये आई साई कैंसिल हो जाता है और हमें सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन के मिल जाता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे कई सारे रजिस्टर्स,
सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, विल बी द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेज ऑफ द रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी को एडअप कर लेना है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, रिमार्क में आप नोट करें फटाफट सभी लोग, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी नेट रेजिस्टेंस मिलता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ लिख रहा हूं मैं फटाफट, आप भी नोट कर लें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस resistance is greater than the largest resistance, ठीक है, सबसे बड़े वाले resistance से भी क्या होता है, resistance ज्यादा मिलता है। और हमने यहां पे क्या सीखा भाई, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी में करंट सेम रहती है, सो करंट सप्लाइड इन ईच रजिस्टर इज सेम, यहां लिखेंगे करंट सप्लाइड इज सेम, ऐसे आप पहचान सकते हैं। और अपने यहां पे क्या देखा जरा बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है रजिस्टेंस पर, सो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, लिख रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है उसे ज्यादा वोल्टेज मिलने वाला है, सीधी सी बात है, वी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। तो इन तीन बातों को लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास में जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सभी इक्विवेलेंट हैं और सभी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं एक दूसरे के, बिल्कुल सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ लिख रहा हूँ इफ एन आइडेंटिकल, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें लगे हों, सीरीज में, देन जरा बताएं नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे देंगे, सभी को सम करेंगे ना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस प्लस आर एन टाइम्स एडअप करेंगे तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या मिलने वाला है, एन टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वन रेजिस्टर, याद रखेंगे एन इंटू आर, डायरेक्ट आप किसी एक रजिस्टर के रजिस्टेंस को नंबर ऑफ रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो आप निकाल सकते हैं आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री। सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कब करते हैं इसको आपको समझना है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो नेट रजिस्टेंस मिल रहा है वो इंडिविजुअल रजिस्टेंसेस से भी क्या है, जो सबसे ज्यादा वाला है उससे भी क्या है, ज्यादा है, हाई है, है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इवन ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, सो जब हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब हमें करंट कम से कम चाहिए, तो हम सीरीज में कर लेते हैं, किस में ले आते हैं, सीरीज में। अगर मुझे सर्किट में करंट की रिक्वायरमेंट कम है तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। और आपने यहां पे क्या देखा, जब मुझे वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा करवाना है, ऐसा भी आप कह सकते हो, जब मुझे वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा चाहिए, जब V is proportional to R, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सीरीज में करेंगे, याद रखेंगे चीज को, ठीक है ना। खास करके जैसे हीटर वगैरह में, इलेक्ट्रिकल हीटर वगैरह में हम लोग जैसा सीरीज ग्रुपिंग करते हैं रेजिस्टेंसेस की, लगातार ऐड करते चले जाते हैं, तो नोट कर लें ये है सीरीज ग्रुपिंग।